रात की सबसे बड़ी खबर, हैरान करने वाली खबर है। ये चार तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, अभी शुरुआत करें इनसे, जरा ध्यान से देखें आप। इजराइल वर्सेस हमास प्ले ऑन, ये देखें आप, इजराइल वर्सेस हमास, कैसे घर उड़ाया गया, कैसे रात भर बम्बार्डमेंट चला और फिर आयरन डोम का इंपैक्ट आपके सामने है। और ये तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, एक एक जानकारी। क्या इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन एक बार फिर से युद्ध शुरू होने जा रहा है, यह सबके सामने इस वक्त की बड़ी खबर, एक चिंताजनक खबर। बड़ी खबर सीधे आइए यहां पर, अब शुरुआत करने जा रहे हैं अपने शो की। यहां पर ये देखें, वर्ल्ड ऑर्डर बदला, जंग में अमेरिका, ये बड़ी खबर है, सीधे दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा से हमास ने इजराइल में किया सबसे विध्वंसक प्रहार, विजुअल्स के साथ। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता, कैसे देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर, अभी डाउनलोड करें। एक के बाद एक हमास ने दागे 100 से ज्यादा रॉकेट, ये देखें आप, प्लीज लोकेशन पे मेंशन करें, ये देखें आप, हमास के रॉकेट हमलों ने मचाई जबरदस्त सनसनी। रात के अंधेरे में हमास ने ताबड़तोड़ रॉकेट हमलों से हड़कंप। ये तस्वीरें देखें, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए, ये आतिशबाजी नहीं है बल्कि हमास की तरफ से इजराइल में रॉकेट दागे जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, मैं चाहूंगा इसके बगल में सर एक बार ब्रेकिंग दे। इस वक्त की बड़ी खबर, इसके बाद एक और बड़ी खबर, गाजा से हमास ने, इजराइल ने आयरन डोम से हमास पर किया भीषण प्रहार। दूरी के एयर डिफेंस से हमास के हमलों को किया नाकाम, यह बड़ी खबर हमारे सामने है। हवा में ही मिसाइलों को नष्ट करता है इजराइल का रक्षा कवच। आयरन डोम जब एक्शन में आता है तो उसकी तस्वीरें आपके सामने है, इजराइल का रक्षा कवच, इजराइल के आसमान में रात के अंधेरे में मिसाइलों की आतिशबाजी। मैं चाहूंगा ये दोनों तस्वीरें एक बार प्ले ऑन करें, पहले फुल फ्रेम पे शॉट दिखाएं किस तरीके से आयरन डोम, ये देखें आयरन डोम एक्टिव हो रहा है और उसके बाद ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो कि इस बात की गवाह है कि किस तरीके से एक तरफ वहां पे अटैक हो रहा है, दूसरी तरफ आयरन डोम जो है वो एक्शन में दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक और बड़ी खबर, हमास की धमकियों के बाद इजराइल की गाजा पर एयर स्ट्राइक, विजुअल दिखाइए। इजरायली हमले में हमास के कमांडर तासीर जबारी की मौत। शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा आशीष के पास। आशीष, सबसे पहले मुझे ये बताइए, अभी क्या स्टेटस है, क्या वहां पर ऐसा लग रहा है कि वॉर जो है वो ट्रिगर हो सकता है? अभी उस स्टेज पे नहीं आया, थ्रेशोल्ड से कुछ नॉचेस नीचे है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट में ये भी अपडेट मिली है कि यूनाइटेड नेशन ने इसे कहा है कि डीप कंसर्न वाले स्टेज में ये जा चुका है, कोट एंड कोट, ये स्पेसिफिकली एक स्टेटस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। डीप कंसर्न अगर यूएन को हो, इसका मतलब है कि जो रूटीन में हमें दिखाई देता है इसराइल वर्सेज पैलेस्टाइन में, उससे ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ नॉचेस नीचे ही है अभी भी एज फार एज दी वॉर और द कॉन्फ्लिक्ट इज कंसर्न। लेकिन एक और अपडेट निशान दर्शकों को दे दें कि 10 लोगों के मारे जाने की इस कॉन्फ्लिक्ट में जो पिछले 36 घंटे में लगभग दिखाई दिया है शुक्रवार से, उसके बाद में 10 लोग अब तक मारे गए हैं इस एक्शन और रिएक्शन में। लेकिन इसराइल के लिए ऑब्वियसली एक
मैन्युफैक्चरिंग और जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का प्रोपेगेंडा या फिर मार्केटिंग आप कह सकते हैं, उसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी जो इसराइल कभी नहीं भूलता है एक्सप्लॉइट करने में। आयरन डोम का इस्तेमाल किस तरह से हो सकता है, तस्वीरों में आप बेहतरीन दिखा रहे हैं कि कितनी भी मिसाइलें आ जाए, व्हाट एन एयर डिफेंस सिस्टम इट इज, और इसराइल उसे भी प्रोपेगेट कर रहा है। आप जो बता रहे हैं आशीष, में सबके बीच में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा ये बड़ी खबर है। सीधे हमारे जो खास मेहमान हैं उन सबको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। आइए जरा हमारे खास मेहमान हैं उनको दिखाइए यहां पर। सबसे पहले मेरे साथ है जनरल चतुर्वेदी, आपका स्वागत है सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ है एंबेसडर दीपक गोरा, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ है ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, आपका भी स्वागत है सर, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त की बड़ी खबर है यहां पर, मैं सीधे दिखाना चाहूंगा, सीधे आइए। इसराइल का ऑपरेशन ब्रेकिंग ड्रोन, यहां पर क्या हो रहा है यहां पर यह देखने की जरूरत है। ध्यान से देखें आप, सीधे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमास के उकसावे के बाद इजरायल की गाजा पर एयर स्ट्राइक होता है, नंबर वन। नंबर टू, चेंज करें, जूम इन कर सकते हैं हम इसको थोड़ा सा। गाजा में 5 साल की बच्ची समेत 10 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा घायल जख्मी हो गए हैं, यह हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ध्यान से देखें अगली खबर, एयर स्ट्राइक में हमास के सीनियर कमांडर समेत 15 आतंकियों की मौत, इसराइल ने यह कहा है। इसराइली हमले के बाद हमास ने भी 2 घंटे में 700 रॉकेट दागे हैं। इसराइल हमास के बीच 15 सालों में 4 युद्ध और कई छोटी झड़पें हुई हैं, यह भी इंफॉर्मेशन है। मैं चाहूंगा हमारी जितनी भी ब्रेकिंग है उनको वन आफ्टर द अनदर प्ले ऑन करें। मैं सीधे चलूंगा आप एंबेसडर दीपक गोरा सर के पास। सर, सवाल यह है, इसका प्रीकर्सर इलेक्शंस हैं नवंबर में जो होने वाले हैं, या इसका प्रीकर्सर है भाई बहती गंगा में सभी हाथ धो रहे हैं तो हम भी अपने कुछ हथियार बेचें? बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पे होता हूँ, क्षमा कीजिएगा थोड़ी आवाज भारी है, बट इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू सर, टू लर्न फ्रॉम यू और बाकी जो विशेषज्ञ है। ये आपने बिल्कुल सही कहा है, अभी वो क्रिटिकल पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं लेकिन पॉस्चरिंग शुरू हो गई है। समस्या सिर्फ ये है जो मैंने देखा है, जब यूनाइटेड नेशंस कंसर्न एक्सप्रेस करता है उसके कोई मायने नहीं है, बिकॉज इट्स एन इररेलेवेंट बॉडी। यूएन तो स्टैंड करता है अननेसेसरी के लिए, हर जगह बीच में दखल देते हैं, जब सारी जैसे पुरानी फिल्में नहीं होती थी बॉलीवुड की, जब सारा एक्शन खत्म हो गया तो पुलिस आ जाती थी, किसने मारा कौन है कौन है, तो यही है यूएन की सिचुएशन आज। मुझे लगता है ये पॉस्चरिंग चल रही है, इसका कोई परिणाम ज्यादा होने वाला नहीं है, कुछ दिनों के अंदर अपने आप शांति आ जाएगी। हाँ, एक नया हॉटस्पॉट बन गया है, पहले दुनिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट था जब वो मैडम पेलोसी पहुंच गई थी ताइवान में, वो चली गई है, अब चीन हूँ हाँ कर रहा तो वहां भी कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी कुछ देर के बाद ये जो टेम्परेचर है ये कम हो जाए। सर, मैं आपको एक विजुअल दिखाने जा रहा हूँ, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग जो हमारी लास्ट ब्रेकिंग थी उसके साथ ये विजुअल प्ले ऑन करें, किस तरीके से एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट को जो टारगेट किया गया, सीधे दिखाइए विजुअल्स यहाँ पर। ये जो विजुअल्स अभी हम प्ले ऑन कर रहे हैं ये हैरान करने वाली तस्वीर है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको इसके अंदर की तस्वीर भी दिखाने वाला हूँ। देखिए आप ये विजुअल्स जो आपके सामने ये बता रहे हैं कि ये एग्जैक्टली किस तरीके से स्ट्राइक था। ब्रेकिंग दिखाइए प्लीज बगल में, ये इजरायली हमले में हमास के कमांडर की मौत हो गई है, लेकिन इसमें कोलैटरल्स बहुत हैं, कोलैटरल्स बहुत ज्यादा हैं, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।